गुड आफ्टरनून क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं आज गुड आफ्टरनून लैब असाइनमेंट 5। अच्छा, अभी तक तो जितने भी असाइनमेंट्स हुए हैं उसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है टी टेस्ट। आज हम लोग को जो लैब परफॉर्म करना है वो रिलेटेड है टी टेस्ट से। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा टी टेस्ट होता क्या है, क्यों करते हैं, वो सारी चीजें तो आप लोग कंसेप्ट तो पढ़ ही चुके होंगे। बाकी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, फिर हम लोग फिर लैब को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टी टेस्ट करते क्यों है? जैसे कि सपोज जो इंडिया की पॉपुलेशन है, सपोज यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि आप जो इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की एवरेज जो सैलरी है वो 40,000 है, 40,000 रुपए है सपोज। ठीक है, मैं बोलता हूँ आप टेस्ट करो, देखो कि ये 40,000 है कि नहीं है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? आप लोग अभी हर एक इंडिविजुअल के पास जाके उनको पूछना कि कितनी सैलरी है उनकी, और फिर उसके बाद देखना, चेक करना कि हाँ एवरेज सैलरी 40,000 है कि नहीं, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, हर एक सिटी से, हर एक स्टेट से आपने कुछ कुछ सैंपल उठा लिया, और फिर उसको उस हिसाब से आपने एवरेज सैलरी निकाल दी, और फिर उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। जो मैंने बताया कि हाँ 40,000 है, उससे कंपेयर करना है कि भाई हाँ कितना रेलेवेंट है, जो भी मैंने जो दिया इन्फॉर्मेशन वो कितना रेलेवेंट है या नहीं है, उससे मतलब उतनी 40,000 है कि नहीं है, वो आपको चेक करना होता है। तो आप टी टेस्ट की हेल्प से वो चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे
अच्छा दो चीजें होती हैं यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस सबको पता है ठीक है, देर इज नो, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है इसका मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो यानी कि ऑल्टरनेट आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है यानी कि देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। ये सारी चीजें आप लोग को, आप लोग पढ़ चुके हो ठीक है, इसलिए मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। और चलिए फिर जो है असाइनमेंट एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद उस उधर करने की कोशिश करते हैं। असाइनमेंट्स तो सबको मिल चुका होगा ठीक है, मैंने ग्रुप पर भी डाल दिया है और आपके गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड कर दिया है ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका टी टेस्ट है ये दो तरह से हो सकता है, एक तो वन सैंपल टी टेस्ट, दूसरा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ठीक है। वन सैंपल टी टेस्ट मतलब एक सैंपल है आपके पास केवल और उस वहां पर आपको टी टेस्ट परफॉर्म करना है ठीक है। पेयर्ड मतलब दो सैंपल है और उसमें आपको टी टेस्ट परफॉर्म करना है ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है वन सैंपल टी टेस्ट, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन में दिख रहा होगा केवल एक एक सैंपल है आपके पास। 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज, ये वैल्यूज दी गई हैं 45, 96, 74, ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। फाइंड आउट वेदर द मीन 12 ऑब्जर्वेशंस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन ऑफ 76.5 ठीक है। एज्यूम जैसे मैंने कहा था 40,000 एवरेज सैलरी है, वैसे इन्होंने एज्यूम किया है और जो मीन निकाला है वो है 76.5। अब ये किस तरह का डेटा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन से, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो मीन है वो 76.5 है और जो सैंपलिंग जहां पर की वहां पे जो 10 ऑब्जर्वेशंस है वो अलग अलग है ठीक है। आपको ये जो मीन है इससे कंपेयर करना है जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनको ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल हैड फॉलोइंग वैल्यूज, फाइंड आउट वेदर द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस डिफर्स, ये जो मीन है वो 12 ऑब्जर्वेशंस का है तो ये कितना अलग है आपको बताना है दोनों के, मतलब ये दोनों ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या ये दोनों में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या फिर नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वेरिएबल क्रिएट करना है ओके। तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नाम कुछ भी रख दीजिए, मैं नाम रख देता हूं वैल्यूज ठीक है। एक ही वेरिएबल, वन सैंपल टी टेस्ट है तो एक ही वेरिएबल होगा, बाकी सारी चीजें टाइप न्यूमेरिक है और डेसिमल जीरो कर दो ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि डेसिमल्स में अगर जीरो करो दो टू थ्री फोर उससे इतना फर्क तो उसका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। बाकी स्केल, बाकी मेजर में स्केल क्यों, क्योंकि भाई आप जो भी वैल्यूज यहाँ पर जो भी डेटा आप फीड करने जा रहे हो, जो भी वैल्यूज इस वेरिएबल में फीड करने जा रहे हो उसका आपको कैलकुलेशन करना है, वहां पर टूल्स यूज करने हैं और उसको जो भी कैलकुलेशन करोगे और रिजल्ट जो भी आएगा उसको आप, उसका कोई मतलब है, ऐसा नॉमिनल डेटा नहीं है ठीक है। फिर डेटा व्यू पे जाते हैं, यहाँ पर फीड करते हैं डेटा, फोर्टी फाइव नाइनटी सिक्स, एक सेकेंड वैल्यू स्पीड करते हैं यहाँ पे डेटा, पहले डेटा व्यू पे जाके, पहले क्या किया मैंने वेरिएबल व्यू पे गया और एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद डेटा व्यू पे गया और यहाँ पे डेटा फीड कर रहा हूँ ठीक है। 45 96 74 86 88
40, 65, 56, 64, 70. अच्छा क्वेश्चन में लिखा है 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल एट द फॉलोइंग वैल्यूज. यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 10 से तो ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब उसको 12 ऑब्जर्वेशंस मान लो. 82, 60, ये आपका डेटा फीड हो गया. ठीक है, अभी क्या करना है वही चीज, क्योंकि वन पेयर्ड वन सैंपल टी टेस्ट है. आपको क्या करना है, एनालाइज पे जाना है, कंपेयर मींस और वन सैंपल टी टेस्ट. ठीक है, पेयर्ड नहीं. अगर पेयर्ड में दो तरह के सैंपल, दो सैंपल होंगे, ठीक है, जब दो सैंपल होंगे यानी दो वेरिएबल होंगे तब आप पेयर्ड पे जाओगे. लेकिन यहाँ पर आपके पास केवल एक सैंपल है, एक वेरिएबल है, तो वन सैंपल टी टेस्ट. ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये विंडो ओपन होगी. अभी आपका एक ही वैल्यू दिख रहा है, तो टेस्ट वेरिएबल की तरफ इसको लेकर आना है वैल्यूज को. ये आ गया. ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, अभी क्वेश्चन पे फिर देखते हैं जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का. फाइंड आउट whether the mean of 12 observation differ significantly from the assumed population mean of 76.5. ये पूछ रहे हैं कि भाई जो 76.5 जो assumed mean है वो उससे कितना अलग है. ठीक है, जो ये 12 observations है इनसे कितना अलग है, या अलग है या नहीं अलग है, वो चीज वो पूछ रहे हैं. ठीक है, तो आपको जो टेस्ट वैल्यू, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा होगा टेस्ट वैल्यू का, यहाँ पर लिखना है जो एज्यूम्ड मीन है उसको लिखना है, यानी कि 76.5. ठीक है, हो गया इतना काम और ओके ओके कर देना है. अभी रिजल्ट दिख रहा होगा, एक बार मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट. नहीं अभी तो नहीं दिखा, एक सेकेंड. बहुत ज्यादा विंडोज, ये सारे बहुत सारी विंडोज एक साथ ओपन हो गई, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही. एक मिनट. ये देखिए रिजल्ट आपको दिख रहा है ये. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आपकी सिग्निफिकेंस, ये टू टेल्ड वैल्यू जो दिख रहा है ये आपकी पी वैल्यू है. ठीक है, इसको बोलते हैं पी वैल्यू. ओके, ये इसी वैल्यू से आपको आपको पता चल जाएगा कि ये इन दोनों के बीच सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या फिर नहीं है. तो ये जो पी वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 0.152. ठीक है, 0.152. अभी कैसे पी, ये कहीं नोट कर लीजिए 0.152. ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है इसको. ठीक है, कंपेयर कैसे करना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05. ठीक है, अगर पी वैल्यू आपकी ज्यादा है 0.05 से, देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. ठीक है, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. और इफ पी वैल्यू इज लेसर देन 0.05, देन अल्टरनेट hypothesis is accepted and null hypothesis is rejected. ठीक है, तो यहां पर जैसे कि आप लोग ने रिजल्ट में देखा वैल्यू आ रही थी कितनी, 0.152. ठीक है, 0.152. 0.152 इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, 0.152 ये आपकी p वैल्यू आ रही है, यानी कि ये आपकी ग्रेटर देन, यानी कि ज्यादा है, p वैल्यू आपकी ज्यादा है किससे, 0.05 से ज्यादा है. ठीक है, एक सेकेंड, p
पी वैल्यू ज्यादा है किससे, 0.05 से। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये हो गया कि नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है, देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनके बीच। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि जो जो कंपेयर मीन जो हमने कंपेयर किया था 76.5, यानी कि उसके लगभग करीब है रिजल्ट, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, हमें यही तो देखना था कि जो सेवन जो एज्यूम्ड मीन था वो कितना, एज्यूम्ड मीन को जो है आपको जो सैंपल जो लिया है उसको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अभी अभी बाद में करेंगे, पहले 3 देखते हैं। 10 इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम पॉपुलेशन एंड द हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस। 76, 86, ये सैंपल है आपका 76, 86, 76, 57, ये है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ दीज डेटा डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट ऑफ पॉपुलेशन इज 68 इंचेस बाई यूजिंग PSPP। तो वही है, यहाँ पर भी आपको मीन कंपेयर करना है, जो आपका एज्यूम्ड मीन है वो है 68 और जो सैंपल आपका दिया गया है। ठीक है, एकदम वही सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, एकदम उसी तरह से आपको डेटा फीड करना है। एक आपका वेरिएबल क्रिएट होगा, हाइट के नाम से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, वहां पर ये डेटा फीड करेंगे और उसके बाद फिर आपको जो वैल्यू टेस्ट जो करेंगे किससे, 68, यानी कि जो एज्यूम्ड मीन कितना है 68, इससे आपको कंपेयर करना है और जो है आपको देख आपको वहां पता चल जाएगा कि भाई इनके बीच कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, अगर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो रहा है यानी देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसा ही है। यहाँ भी देखिए आपका ये दिया गया है, सैंपल दिया गया है। ठीक है, और आपका एज्यूम्ड मीन भी दिया गया है 58 kg। ठीक है, सर्टेन पेस्टिसाइड, सर्टेन पेस्टिसाइड इज पैक्ड इनटू बैग ऑफ अ मशीन, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैग्स इज ड्रॉन एंड देयर कंटेंट्स आर फाउंड इन वेट इन केजीज एज फॉलोज। ठीक है, ये केजीज में वेट दिए गए हैं। यूज PSPP टू एग्जामिन वेदर द एवरेज पैकिंग कैन बी टेकन टू बी 58 kg। ठीक है, तो एवरेज जो पैकिंग है वो 58 है कि नहीं है। ठीक है, अगर देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस यानी कि है, अगर देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस मतलब कि नहीं है। ठीक है, इंटरप्रेट करना आप उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर देयर इज नो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, देयर इज सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल हैड फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और ये आपका सैम एज्यूम्ड मीन भी दिया गया है, एक पॉपुलेशन मीन दिया गया है, इससे आपको कंपेयर करना है एज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, कि ये एज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन से कितना अलग है या फिर नहीं अलग है। तो यहाँ पे तो मुझे देखने पर ही लग रहा है काफी कुछ अलग है। देखिए देखिए, जो डेटा आपका दिया गया 190, 283, 274, 286 और जो आपका एज्यूम्ड मीन है वो 76.5 है, तो ये तो काफी अलग होगा ही होगा, दिख रहा है डेटा। ठीक है, खैर तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इससे ज्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं है, जो आपका वन सैंपल टी टेस्ट के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये सारे वन सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस थे। ओके, अब आते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पे। यहाँ पर आपके पास दो सैंपल होंगे। ठीक है, उनके बीच आपको देखना है कि वहां पर
कोई भी इवेंट जो भी हो रहा है उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। जैसे सपोज मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स हैं, उनके प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, कोई इवेंट होता है, सपोज बजट आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा कि अब उस बजट का कितना इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक मार्केट के प्राइजेस पे, अलग अलग जो भी स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, वो अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो क्या करेंगे, बजट बिफोर बजट आपने जो भी प्राइजेस हैं उनको लिया, ठीक है, और आफ्टर बजट जो प्राइजेस हैं उनको लिया और उन दोनों को कंपेयर कर लिया, और अगर तो वही है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और अगर ऑल्टरनेट आपके एक्सेप्ट हो रही है तो यानी देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कि उस इवेंट का इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 बॉयज वर गिवेन अ टेस्ट इन ज्योग्राफी, देवर गिवेन अ मंथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस, अ सेकेंड टेस्ट वॉज हेल्ड एट द एंड ऑफ इट। मतलब यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक टेस्ट कराया, ठीक है, और जहां पर एक टेस्ट कराया उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास दी उसको, 1 month एक्स्ट्रा क्लास, और उसके बाद वापस फिर से टेस्ट कराया। अभी ये देखना चाह रहे हैं कि उस एक्स्ट्रा क्लासेस का इम्पैक्ट पड़ा है उसको, उसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, वो इनको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर टी टेस्ट के थ्रू, ठीक है। डू द मार्क्स गिव कन्फर्मेशन दैट स्टूडेंट हैव बेनिफिटेड बाय द एक्स्ट्रा क्लासेस बाय यूजिंग PSPP। क्लियर है? तो यहां पर आपको सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करना है, न्यू फाइल पे जाएंगे, डेटा, ये न्यू फाइल आपकी ओपन हो गई, एक सेकेंड। ओह, तो क्लोज हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल व्यू पे जाना है और वहां पर वेरिएबल क्रिएट करना है। दो वेरिएबल है जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है, मार्क्स इन वन टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट, मार्क्स। जैसे आपको पता है आप यहां पर स्पेस नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स 1, ठीक है, टेस्ट भी लिख देते हैं। दूसरा वेरिएबल मार्क्स 2 टेस्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही, डेसिमल्स हटा सकते हैं, वो हटा देते हैं, स्केल ही रहेगा मेजर में, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अभी डेटा व्यू पे जाते हैं, डेटा व्यू पे अभी डेटा फीड कर देते हैं, 45, 42, 54, 35, 48, 72, 43, 69, 77, 55 and 73, ये हो गया मार्क्स किसके, टेस्ट 1 के। अभी टेस्ट 2 में जाते हैं, 56, 40, 70, 58, 47, 41,
75, 49, 75, 76, 62 and 80. ठीक है, ये आपका हो गया, ये डेटा फीड हो गया आपका। अभी क्या करना है, वही सेम एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन। अभी यहां पर क्योंकि ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है तो यहाँ पेयर्ड पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सैंपल है आपके पास, तो पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। अभी क्या करना है, मार्क्स जो भी मिले टेस्ट वन में उसको इधर लेके आना है, ये वेरिएबल वन हो जाएगा, और मार्क्स जो टेस्ट टू में मिले उसको लेके आना है, ठीक है। दोनों वेरिएबल इधर आपको देखिए दिख रहा है, ये हो गया वेरिएबल वन मार्क्स वन, मार्क्स टेस्ट वन, और ये वेरिएबल टू मार्क्स टेस्ट टू, ठीक है, और इसको ओके कर देना है। ओके, अभी रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट, हाँ ये रिजल्ट आ गया, ये देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है, देखिए यहाँ पर सबसे आखिर में जो वैल्यू दिख रही है सिर्फ 0.014, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 0.014, ये वैल्यू, ठीक है। 0.014 से मतलब क्या है, 0.014 से मतलब है कि आपका 0.05 से ये वैल्यू कम है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू पी वैल्यू, इफ पी वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू 0.05, देन ऑल्टरनेट जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है और नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि वहां पर वो इवेंट, जो इवेंट मतलब जो टेस्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से जो भी मार्क्स ज्यादा हुए कम हुए दोनों चीजें पॉसिबल हैं वहां पर, लेकिन अभी वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि वो उस टेस्ट के होने से फर्क तो पड़ा है, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल्स में सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर वन हो गया, टू हो गया, ठीक है, उसके बाद थ्री हो ही जाएगा, थ्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर भी हो जाएगा, भी बता दिया मैंने, फाइव भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 9 पर्सन्स वर अपॉइंटेड इन अ मैकेनिकल पोजीशन इन अ फैक्ट्री, their performance was noted by giving a test and marks recorded out 200 out of 200. They were given 3 months training and again they were given a test and marks were recorded out of 200. ठीक है, दो टेस्ट हुए हैं यहाँ पर, एक तो ट्रेनिंग के पहले, दूसरा ट्रेनिंग के बाद, और उनको मार्क्स उस बेसिस पे, दो आउट ऑफ 200 उनको मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। अभी ये देखना है कि ट्रेनिंग का से कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर देखना है। यूज पी एस पी पी टू फाइंड आउट वेदर पर्सन्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय द ट्रेनिंग। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर टू था, एकदम सेम क्वेश्चन है। आपको दो वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करने हैं, कौन कौन से, बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, और आपका दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, और उसको आपको टी टेस्ट कर देख लेना है। अगर वैल्यू, अगर जो भी पी वैल्यू है, ठीक है, वो अगर ज्यादा होती है, यानी कि इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 देन
नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ा उस इवेंट के होने का, उस ट्रेनिंग के होने का, ठीक है। और अगर सपोज आपका पी वैल्यू लेसर देन, अगर पी वैल्यू आपकी कम होती है, इफ पी वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू 0.05, देन ऑल्टरनेट जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कि उस इवेंट का फर्क पड़ा है उनके जो भी उनके परफॉर्मेंस में, इस वजह से मार्क्स जो है, मार्क्स दोनों जो सैंपल हैं उनका रिजल्ट अलग है, ठीक है, उनके बीच डिफरेंसेस हैं, और इसका मतलब वो जो इवेंट हुआ, जो ट्रेनिंग हुई, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ओके अच्छा हाँ बताओ बताओ। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है बताओ। अगर वॉइस, देखिए वॉइस नहीं आ रही है तो आप मैसेज टाइप कर दो, कि वॉइस तो नहीं आ रही है। नहीं है किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर देखिए आप लोग असाइनमेंट्स जो भी हैं टाइम पे सबमिट करो, ठीक है। और आप लोग का एक अभी अभी क्योंकि टोटल असाइनमेंट्स पांच हो चुके हैं, ठीक है, 5 असाइनमेंट्स आप लोग के हो चुके हैं, तो अभी एक एग्जाम कह सकते हो, प्री एंड एग्जाम एक आप लोग का अभी आफ्टर 5 असाइनमेंट एक होना है, ठीक है। अब वो कैसे होना है वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, अभी मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन एक एग्जाम होना है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक सैटरडे को आप लोग का या लैब का एग्जाम हो, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहना, जो भी कुछ प्रॉब्लम है इस वीक में, आप जो भी कुछ डाउट हो इस वीक में, आप वो चीजें देख लेना, ठीक है, वो पूछ पूछ लेना मुझसे अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी असाइनमेंट में। ठीक है तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है फिर मीटिंग में यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बाकी आप लोग ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस जिसने नहीं दिया वो दे दो। ठीक है।